इंडियन हिप हॉप और देसी हिप हॉप इज ग्रोइंग एंड गेटिंग पॉपुलर डे बाई डे, और इसके साथ साथ इंडियन हिप हॉप या फिर देसी हिप हॉप मेन स्ट्रीम में भी पॉपुलर होता जा रहा है। सो पहले तो DHH रैपर्स ने बॉलीवुड में एंटर किया, और बॉलीवुड में बहुत सारे रैपर्स ने बॉलीवुड मूवीज के लिए काम कर रखा है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। और अब रिसेंटली बहुत सारे ऐसे टीवी रियलिटी शो है जहां हमें देसी रैपर्स या फिर इंडियन रैपर्स देखने को मिल रहे हैं। सो इस वीडियो में हम 8 ऐसे टीवी रियलिटी शो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पे DHH रैपर या फिर इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट फीचर हुए हैं, और इन रियलिटी शोज ने कहीं ना कहीं हिप हॉप को पॉपुलर किया है इंडिया में या फिर हिप हॉप को मेन स्ट्रीम ले जाने में हेल्प किया है। सो अगेन हमेशा की तरह एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, तुम एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। माँ शब्द एक का है खेल, पर प्यार छिपा होता इसमें 100 गुना। पापा दो शब्दों का मेल, जो प्यार करे माँ से भी 2 गुना। है सुना मैंने इस बात को, कभी ना महसूस किया। गाने का नाम है स्टार, आर्टिस्ट है समी, और ये ट्रैक हमें भाई की EP फॉल ऑफ से देखने को मिला है। ये ट्रैक है भाई ने अपने फादर को डेडिकेट किया है, उनके ऊपर पूरा ट्रैक है। पूरे ट्रैक के लिरिक्स जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत लोग रिलेट भी करेंगे इस गाने से। सो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तो रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। ये गाना 2 हफ्ते पहले आया है, अप्रॉक्स 500 व्यूज है ट्रैक में, तो इससे ज्यादा डिजर्व करती है। सो आई होप कि तुम लोग जाओगे, गाना सुनोगे, भाई को फीडबैक दोगे और भाई को ढेर सारा प्यार दोगे। सो इंडियाज रॉ स्टार प्रीमियर हुआ था 24 अगस्त 2014 में, और इस रियलिटी शो को होस्ट किया था बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान ने। और इस सिंगिंग रियलिटी शो में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब हम लोगों ने किसी रैपर को एज ए जज देखा था किसी भी टीवी रियलिटी शो में, और वो रैपर और कोई नहीं थे, ही वाज योयो हनी सिंह। ऋतुराज मोहंते को इंडियाज रॉ स्टार सीजन 1 का विनर डिक्लेयर किया गया था। दर्शन रावल, जिनको तुम लोग जानते ही होगे, और मोहित गर्ग सेकेंड और थर्ड रिस्पेक्टिवली फिनिश हुए थे। तो दर्शन रावल को इसी टीवी शो से उनके स्टार्टिंग के टाइम पे फेम मिला था, और उनका ट्रैक मेरी पहली मोहब्बत बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। एंड राइट नाउ इन 2022 दर्शन रावल इज अ वेरी सक्सेसफुल सिंगर। इस टीवी शो में हमें वो रैपर एज ए पार्टिसिपेंट तो देखने को नहीं मिला था, बट जो भी TRP इस टीवी शो की बनी थी या फिर जो भी हाइप बनी थी वो थी योयो हनी सिंह की वजह से। सो इंडियाज गॉट टैलेंट की अभी तक हम लोगों ने टोटल 9 सीजन देखे हैं, और अभी तक इंडियाज गॉट टैलेंट में हम लोगों को बहुत सारे हिप हॉप आर्टिस्ट या फिर रैपर एज ए पार्टिसिपेंट देखने को मिले हैं। मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल दे देता हूँ पार्टिसिपेंट्स के, जो हमें इंडियाज गॉट टैलेंट में अभी तक देखने को मिले हैं। इसमें से कुछ को तुम पहले से जानते होगे, कुछ तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और शायद कुछ को तुम नहीं जानते होगे। एमीवे बंटाई, जो हमें इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 8 में देखने को मिले थे। अंडरग्राउंड अथॉरिटी, जिनके मेंबर EPR भी है, ये हमें इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 में देखने को मिले थे। पैरी जी हमें सीजन 6 में देखने को मिले थे। दी रैपिंग मशीन एंड रैपटाइल क्रू आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। सो इंडियाज गॉट टैलेंट में बहुत सारे रैपर्स एज ए पार्टिसिपेंट देखने को मिले हैं अभी तक, बट कोई भी रैपर अभी तक विनर नहीं बन पाया है। पैरी जी एक इकलौते रैपर है जो फाइनलिस्ट बने थे इंडियाज गॉट टैलेंट में, पर शायद इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए रैप या फिर हिप हॉप अभी इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है कि वो किसी रैपर को या फिर हिप हॉप आर्टिस्ट को विनर डिक्लेयर कर पाए। और ये जो मिथ है हिप हॉप आर्टिस्ट या फिर रैपर्स को लेके, इस मिथ को अगले रियलिटी शो ने तोड़ा, जहां पे हमें विनर एक रैपर देखने को मिला। दिल है हिंदुस्तानी, जो कि अगेन एक सिंगिंग रियलिटी शो है, इसका सीजन 1 हमें 2016 में देखने को मिला था, और सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में हमें बादशाह एज ए जज भी देखने को मिले थे। मैंने खुद दिल है हिंदुस्तानी के दोनों सीजन को फॉलो किया था, और मैंने एक चीज नोटिस किया कि ये जो रियलिटी शो है ये रैपर्स को प्रायोरिटी सच में दे रही थी। सीजन 1 में अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जैसे कि रैप ID और J-Trix भी ऑडिशन राउंड तक पहुंचे थे, बट अगेन वहां पे कमर्शियल हिप हॉप को थोड़ी प्रायोरिटी दी गई, और मेलोडी जो कि ये कमर्शियल रैपर थे
उनको आगे सेलेक्ट किया गया और उनके साइड से हमें बहुत ही क्रेजी परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। अगर हम सीजन 2 की बात करें तो हमें उस सीजन में अक्षय धवन और RCR जो हमें MTV हसल में देखने को मिले थे वो भी देखने को मिले, और अक्षय धवन ने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस किए कि उन्हें सीजन 2 का विनर डिक्लेयर कर दिया गया। और दिल हिंदुस्तानी सीजन 2 पहला रियलिटी शो बन गया था जब किसी इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट ने उस रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई थी। तो ये तो बात हो गई सिंगिंग रियलिटी शो की जहां पे हमें रैपर्स एज ए पार्टिसिपेंट देखने को मिले थे। अब हम बात कर लेते हैं फुल फ्लेज्ड हिप हॉप रैप रियलिटी शो की जिसका नाम है MTV हसल। सो MTV हसल के बारे में मुझे लगता नहीं है ज्यादा बताने की जरूरत है, बट स्टिल चलो बता देता हूँ। MTV हसल इज इंडियाज फर्स्ट एवर रैप और हिप हॉप रियलिटी शो जिसका सीजन 1 हम लोग को 2019 में देखने को मिला था, जहां पे जज थे रफ्तार, न्यूक्लिया और राजा कुमारी, और उस सीजन के विनर थे MZ बेला। सीजन 2 हमें 2022 में देखने को मिला जहां पे जज थे बादशाह, उनके साथ चार और स्क्वाड मेंबर्स भी थे, स्क्वाड बॉस भी थे, जो कि थे किंग, EPR, DMC एंड डीनो जेम्स, और इस सीजन के विनर बने MC Square। और अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस की तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और रियलिटी शो है जिसने MTV हसल की इतना हिप हॉप को इंडिया में पॉपुलर किया है। जब भी इंडिया में टीवी रियलिटी शो की बात होती है, रोडीज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज इन इंडिया, और पास्ट में रोडीज में भी हमें बहुत सारे रैपर्स एज ए पार्टिसिपेंट देखने को मिले हैं, और इसके साथ साथ रफ्तार हमें रोडीज में एज ए स्क्वाड बॉस या फिर एज ए जज हमें देखने को मिले हैं। अर्शित तोमर, रणवीर पाजी एक्सेट्रा आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रैपर्स जो हमें एज ए पार्टिसिपेंट हमें रोडीज में देखने को मिले थे। तो रफ्तार भाई ने खूब कहा है कि जहां हारा वहां जज बन बैठा रहा। सो रफ्तार 2011 में एज ए पार्टिसिपेंट हमें DID डबल्स में देखने को मिले थे, पर वहां पे उन्हें एलिमिनेशन फेस करनी पड़ी थी, और इसके बाद डांस इंडिया डांस सीजन 7 में रफ्तार को एज ए जज बुलाया गया। तो इसके पहले जो बातें हो रही थी वो कुछ साल पुरानी थी, वो रियलिटी शोज जो थे वो कुछ साल पुराने थे। अब हम आ जाते हैं 2022 में और बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो जिसका नाम है बिग बॉस, उसके बारे में। सो 2022 में हमें बिग बॉस में MC स्टैन देखने को मिले हैं, और जब ये अनाउंस हुआ था कि बिग बॉस जो कि एक इतना बड़ा रियलिटी शो है जिसे पूरा इंडिया तो नहीं मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं, वहां पे MC स्टैन जो कि एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है जो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम हो ही रहे थे वो जाने वाले हैं, दिस वाज अ बिग सरप्राइज, तो बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग भी था अगर हम DHH ऑडियंस की बात करें तो। और आज से कुछ साल पहले मुझे लगता नहीं किसी ने ये सोचा भी होगा कि हमें कोई रैपर बिग बॉस में देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं कि प्रॉपर मेन स्ट्रीम रैपर जैसे कि बादशाह, रफ्तार हो गए, वैसा नहीं, एक ऐसा रैपर जो कि मोस्टली अंडरग्राउंड है वो रैपर MC स्टैन हमें देखने को मिल गया बिग बॉस में। तो कल ही हमें कपिल शर्मा शो में पूरा का पूरा हिप हॉप या फिर रैपर्स का स्क्वाड देखने को मिला, बादशाह, रफ्तार, किंग, इक्का, डीनो जेम्स, राजा कुमारी एंड इवन सृष्टि हसल वाली भी हमें कपिल शर्मा शो में देखने को मिली। और बात जब फैमिली शो की होती है या फिर टीवी शो की होती है, मुझे लगता नहीं कि कपिल शर्मा शो से बड़ा कोई शो है टीवी में, और इन सारे रैपर्स का एक साथ टीवी में आना, हिप हॉप को प्रमोट करना, रैप को प्रमोट करना, दिस इज अ बिग W फॉर देसी हिप हॉप एंड इंडियन हिप हॉप। और अगर तुम लोगों ने कल का कपिल शर्मा का एपिसोड देखा तो तुम लोगों को कैसा लगा, सारे रैपर्स को एक साथ देख के क्या फील हुआ, तुम कमेंट करके बता सकते हो। ओके, सो दिस वाज इट, ये थे 8 टीवी रियलिटी शो जहां पे हमें देसी हिप हॉप आर्टिस्ट या फिर इंडियन रैपर्स का अपीयरेंस देखने को मिला है। ओके, सो अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को पहले से भी देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो, और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना। बाकी तुम लोग इस वीडियो को ऐसे पॉडकास्ट भी सुन सकते हो Spotify पे, डू चेक इट आउट एज वेल। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।